हे गाइस, वेलकम टू ललिता गोयरीज व्लॉग। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड बनाना टोस्ट। आप देख सकते हैं देखने में कितना यमी लग रहा है, और ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है। हम बड़े भी खा सकते हैं इसको और छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। अगर कोई कोई छोटा बच्चे लोग ऐसे ही बनाना नहीं खाते हैं तो हम इसको ब्रेड टोस्ट बना के भी दे सकते हैं, तब वो लोग आराम से खाते हैं, चाव से खाते हैं वो लोग। आज हम यही रेसिपी बनाएंगे, हेल्दी रेसिपी ब्रेड बनाना टोस्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है यहाँ पे बनाना। बनाना को हम छोटे छोटे पीसेस में से काट लेंगे। अभी हमने यहाँ पे दिया है चीनी। अभी हम मैश कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। चीनी हमने कम ही दिया है क्योंकि बनाना ऐसे ही मीठा है, तो आप अपने स्वाद अनुसार दे सकते हैं। हमारा बनाना अच्छी तरह से मैश हो चुका है, अब देख सकते हैं। तो हमने इधर ले लिया है ब्रेड, ब्रेड के साइड साइड को ऐसे काट लेंगे। फिर हमने दूसरा ब्रेड ले लिया है, उसको भी हम सेम प्रोसेस में ऐसे काट लेंगे। अभी हम इसको ऐसे साइड साइड में से करके वो बेल लेंगे, थोड़ा पतला बनाएंगे इसको। यहाँ पे दे दिया हमने बनाना और साइड साइड में हमने दिया है दूध, आप देख सकते हैं। ऐसे दूध देके इसको फोल्ड कर देंगे। हमारा एक ब्रेड बनाना टोस्ट रेडी है तवा में जाने के लिए। अभी हमने ले लिया दूसरा वाला ब्रेड, हम दूध देंगे इसके ऊपर ऐसे करके। अभी दे दिया हमने इधर बनाना स्टफिंग के लिए, आप देख सकते हैं। इसको फिर से ऐसे फोल्ड कर देंगे, आप देख सकते हैं। अभी हमने इधर ले लिया है एक पैन, इधर में हमने दे दिया है घी। घी को ऐसे मिक्स कर लेंगे। अभी हमने यहाँ पे दे दिए हैं ब्रेड। घी देने से आपका इसका जो ब्रेड टोस्ट है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और खाने में भी अच्छा लगता है। आप यहाँ पे घी या फिर बटर यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे घी दिया है और घी हेल्थ के लिए अच्छा है, हेल्दी है, तो हम खा सकते हैं। तो हमारा एक साइड से पक चुका था तो हमने इसको पलट दिया है दूसरे साइड, आप देख सकते हैं गोल्डन एकदम कलर आ गया है। हम सारे ब्रेड को ऐसे ही कर लेंगे, आप देख सकते हैं हमारे हो चुका है ब्रेड टोस्ट, ब्रेड बनाना टोस्ट। अभी हमने एक प्लेट में बनाना ब्रेड बनाना टोस्ट को सर्व कर दिया है, आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है गाइस देखने में, और खाने में भी उतना ही अच्छा है ये। कोई कोई छोटे बच्चे ऐसे फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं ब्रेड में बनाना हो या जो भी फ्रूट्स हो, सीजनल फ्रूट हम यहाँ पे देके ऐसे टोस्ट बना दे सकते हैं, तो बच्चा आराम से खाते हैं क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा अलग होता है, आप देख सकते हैं। और आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं या फिर इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं चाय के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना तक ही, बाय बाय।